back from the dead. हेलो भाइयों, मैं संगीत के दुनिया को जो प्रणाम करते हैं, मैं संगीत का खासा सीखूँ। और भाई, जो 1947 की पिक्चर आई थी बीजू बबरा साहब की, जो संगीत में काफ़ी उपरण दिया है, उसके बाद भाई जो बम्बई के जाने के बाद जो स्ट्रगल का दिन होता है, जो कलाकार को एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाना पड़ता है, भाई मैं कुछ आपको कुछ कलाकार की आवाज़ सुनाना चाहूँगा जो आपको पसंद करेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमरीश पुरी जी आएंगे तो कैसे बात करें। देखो दामिनी, यह चार मासूम जिंदगी का सवाल है। दामिनी बता, दामिनी बता, हाथ कहाँ था, जांग पे या तिल पे? बाबूजी, यह सब कुछ बताया मैंने उनको, समझ नहीं आता क्या करूँ, मेरे भाई को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। अजय, ये छोड़ दे बुरे धंधे, मैंने तो तुझे कितनी बार कहा था कि उस गुंडे मोहाली के चक्कर में मदद अश्योटर मोहताज की कट। देखो बॉस, मैंने अगर आपको कह दिया कि ये बात गलत है तो गलत है, लेकिन आपने मेरी बात को कभी समझा ही नहीं। मैं पागलों की तरह घूमता रहा, लेकिन आपने मेरी कभी अच्छाई को स्वीकार नहीं किया। मेरी ज़िंदगी का अहम पड़ा था जहाँ मैंने आज सुबह आया, लेकिन आपने मुझे ज़िंदगी में दिया क्या बाबू जी? अरे अरे शक्ति कपूर, अरे वो गोली है, अरे वो चल जाएगी, अरे कहाँ है, अरे किधर जा रहा है, अरे जाके उसे समझा कोई, जाके उसे बस। हाय रे बज्र बोक जी के, मेरे सामने वो गंगा चेली की बात है। अयो मैया, दो मिनट पहले आया था, 2 रुपये में पूरा टाल खरीद के ले जा रही हो मैया, तेरे बाप का टाल समझ लिखी है क्या? पुत्र, मैं तो तुम्हें कल के अंधकार की रिजी रथ के बारे में बताना चाहता हूँ कि हस्तला और नरेश का भाग्य क्या होगा, क्योंकि आने वाला कल मेरे आंखों के सामने ये पूछेगा कि कल की पीड़ा आज क्या होगी। लेकिन कल की पीड़ा को समझने से पहले आपने मुझे कुछ देखा ही नहीं। अरे मत्र गंगू मत्र, तो दुनिया की रीत है, अरे ये दुनिया वाले ना खुद जीते ना दूसरों को जीने देते। अरे गंगू दा, दा, दा।